नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा अभ्यारण का क्रम चल रहा है और अब छोटे छोटे अभ्यारण चल रहे हैं जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, तो अभी हम लेते हैं एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। दोस्तों, ये बूंदी के अंदर है और ये मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा फैला हुआ है बूंदी के अंदर। और इसको जब बनाया था दोस्तों, तो 1982 में राज्य सरकार द्वारा इसे बनाया गया और ये 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अब सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ये दोस्तों, एक तो जंगली कुत्तों के लिए, बस सबसे बड़ी बात है, जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ पर बाघ स्वतंत्र विचरण करते हैं, बाघ स्वतंत्र विचरण करते हैं। ओके, ये रणथंभौर के दुर्गों के लिए जस्सा घर है। जब भी बाघ प्रेग्नेंट होती है और अपने बाघ अपने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए ये यहाँ पर लेके आ जाती है, इसलिए इसको रणथंभौर के बाघों का जस्सा घर भी कहा जाता है। ये दूसरा, यहां पर पाइथियन पॉइंट से टाइगर आसानी से देखे जा सकते हैं, टाइगर आसानी से देखे जा सकते हैं। ये दोस्तों इसकी खास और बड़ी बड़ी बात है। दूसरा, ये जो है टाइगर के लिए मतलब प्रस्तावित है, प्रस्तावित भी है ये, ठीक है ना। टाइगर अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित भी है, बस ये इसकी खास और मुख्य बात है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी। सबसे बड़ी बात किसके? जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध। दूसरा, बाघ यहाँ पर स्वतंत्र विचरण करते हैं। फिर ये इसकी दूसरी बड़ी बात है कि ये रणथंभौर के बाघों के लिए जस्सा घर भी। ये दो बातों पर आप ध्यान रखना। तो ये था रामगढ़ विस्तारी। दोस्तों, अगला लेते हैं हम एक छोटा सा अभ्यारण्य और, भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये चित्तौड़। ओके, जहाँ देखना, जैसे चित्तौड़ दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यहाँ पर जो चंबल नदी प्रवेश करती है, इस चंबल नदी और इधर से बाहमनी नदी आती है, तो ये आयताकार का रूप बना देता है। कैसा रूप बना देता है? आयताकार। ये जो आयताकार है या एक पट्टी नुमा, देखना दोस्तों, एक पट्टी नुमा या आयताकार अभ्यारण है। किन नदियों की वजह से बन रहा है? तो यहां दो नदियां मैं बता देता हूं, इन दो नदियों की वजह से ये पट्टी नुमा बन जाता। देखना यहां पर कौन सी नदी आ रही है? बामनी नदी। और ये कौन सी है? चंबल नदी। तो ये बामनी नदी और ये चंबल नदी, इन चंबल नदी और मामनी नदी के बीच में ये आयताकार या पट्टी नुमा बन जाता, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा दोस्तों, ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल को यहाँ पर संरक्षण भी दिया गया और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध। इसके अंदर मान देसरा का पठार है। किसका पठार है? मान देसरा का पठार है। ओके दोस्तों, अब ये कब बना था? 1983 में बना, राज्य सरकार ने 1983 में बनाया था। कब बनाया था? राज्य सरकार ने 1983 में, और 201 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कि कहाँ फैला हुआ? 201 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। तो ये एक और याद रखना, मान देसरा एक खो का पठार, ठीक है ना। खो की सकरी घाटियां ले लो, आप सकरी घाटी ले लो, इसके लिए भी प्रसिद्ध। तो मानदेसरा के लिए
माम देसरा का पता खो की सकरी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल और बामनी नदी के बीच में, किन किन के बीच में है? चंबल और बामनी नदी के, और इसी कारण ये पट्टी नुमा और आयताकार हो जाता है और चित्तौड़ के अंदर। तो ये थे इसकी खास खास बात है दोस्तों, तो इस पर आप ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा है जो आयताकार या पट्टी नुमा है, तो भैंसरौड़गढ़ है। किन नदियों के बीच में? तो बामनी और चंबल नदी के बीच में दोस्तों। ये थी मेरी आज की क्लास दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी फैलाएं। और मेरा आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों से कहें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्ते।